दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन छोटे छोटे भूरे कलर के दानों के बारे में। जी हाँ, ये छोटे छोटे भूरे कलर के दाने ना सिर्फ दाने हैं, बल्कि ये पोषक तत्वों और गुणों से भरपूर हैं। इसको सुपर फूड का नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या आपका वजन रुक सा गया है, कम होने का नाम नहीं ले रहा, डायबिटीज है, आपको कोई भी हार्ट की समस्या है, कैंसर की प्रॉब्लम है, कब्ज की समस्या है, या फिर समय से पहले आपके चेहरे पर झुर्रियों ने दस्तक दे दी है, तो ये सारी प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन इसका सही इस्तेमाल हमें जानना बेहद जरूरी है। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि छोटे से भूरे कलर के दानों में क्या क्या फायदा होगा अगर आप लेंगे, और कितनी कितनी क्वांटिटी में इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये ओमेगा 3 का भरपूर खजाना है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको ओमेगा 3 नहीं मिल पाता, क्योंकि वो सिर्फ फिश ऑयल और फिश में होता है। लेकिन अगर आप भी वेजिटेरियन हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, बल्कि अलसी को अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल करें और फिर उसके बाद देखें अपने शरीर में होने वाले बदलाव। 1 चम्मच पिसी हुई अलसी 7 ग्राम की होती है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें होता है 1.28 ग्राम प्रोटीन, 2.95 ग्राम फैट, 2.02 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1.91 ग्राम फाइबर, 17. मिलीग्राम कैल्शियम, 27.4 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 44.9 मिलीग्राम फास्फोरस, 56.9 मिलीग्राम पोटेशियम और 6.09 माइक्रोग्राम पॉलेट। तो आपने देखा कि ये छोटे से बीज कितने ज्यादा गुणों से भरपूर हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसको खाने से कौन कौन सी बीमारियों में आपको फायदा मिल सकता है। दोस्तों, अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और रिसर्च की माने तो कई प्रकार की कैंसर की कोशिकाओं को ये बढ़ने से रोकता है। ये मैं नहीं बल्कि एक रिसर्च में पाया गया है। इनमें लिगनल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो नई रक्त वाहिकाओं को बनने में हेल्प करता है, जिससे कि अगर आपकी जो ट्यूमर की गति है, जो कैंसर है, उसकी गति बहुत स्लो हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जैसे कि सर्दी का मौसम है और इस समय हर किसी का शरीर एकदम अकड़ सा गया है, हड्डियां हमारी एकदम से सूज जाती हैं, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, पुराने से पुराना आपको गठिया है, गाउट की समस्या है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूं कि आप इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें और फिर देखें आपके जोड़ों का दर्द कैसे गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अलसी के बीजों में अघुलनशील फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो पानी में घुलते नहीं है और खाने के बाद हमारे पाचन मार्ग में ही रह जाते हैं। इस तरह से ये हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा पानी को सोख लेता है और कब्ज से आपको राहत दिलाता है। इसके साथ साथ अगर आप भी डायबिटीज के शिकार हैं, तो ये आपको उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करती है। आपके शरीर में जितना भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ये उसको बहुत अच्छे से नियंत्रित करती है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचना है, तो अलसी के बीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो किसी भी तरह के ट्यूमर से आपको बचा के रखता है। बहुत सारे लड़कियों को पीरियड्स में गड़बड़ी होती है, ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है, तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो हार्मोन है वो पूरा बैलेंस होना स्टार्ट हो गया है, आपकी पीसीओएस पीसीओडी की समस्या तक आपकी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ ये आपको हार्ट अटैक से बचाता है, क्योंकि आपके शरीर में खून के थक्के नहीं जमने देता, जिससे कि आपका ब्लड पतला रहता है और अच्छे से आपके पूरे शरीर में घूम पाता है। और जिन लोगों को भी अपना वजन कम करना है, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अलसी के बीज। तो जिनको भी वजन कम करना है, वो रोजाना के 2 चम्मच अलसी के बीज का सेवन करें और फिर देखें उनका वजन कितना जल्दी घटना शुरू हो जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों, उसको लेने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग अलसी के बीजों को कच्चा चबाने की कोशिश करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको कच्चा चबाते हैं तो वो आपके शरीर में पच नहीं पाता है और उससे मिलने वाले फायदे आपको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको इसको खाना है, तो खाने से पहले अलसी के बीजों को आपने गैस पर हल्का लो फ्लेम में बिना घी के आपने रोस्ट करना है। रोस्ट करने के लिए आपने 3 से 4 मिनट का समय देना है, बिल्कुल धीमी आंच पर, और इससे ज्यादा आपको उसको रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा रोस्ट करने से इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको एक कांच की शीशी में स्टोर करके रख दें और रोजाना का 1 चम्मच आपने इसका सेवन करना है।
अच्छे से चबा चबा कर आपको इसको खाना है और ऊपर से पानी पी लेना है गुनगुना। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपको चबाने में इसको तकलीफ होती है तो दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आप बाजार से इस तरह के अलसी के बीजों को ले आएं, उसके बाद एक ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर यानी कांच के बर्तन में स्टोर करके रख दें। तो ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल वरदान का काम करेगा, औषधि का काम करेगा, आपको भयंकर से भयंकर बीमारियों से बचा कर रखेगा और आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती लेकर आएगा। अगर आप गंजेपन के शिकार हो रहे हैं तो ऐसे में अगर आप अलसी के बीजों का सेवन करेंगे तो आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे, आपके बालों में चमक आ जाएगी, आपके बाल जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाएंगे। अगर आपके फेस पर में से पहले एजिंग आ रही है तो ऐसे में अलसी के बीजों का सेवन करें, यह आपकी सारी झुर्रियों को दूर करेगा, आपकी स्किन को बहुत ही सुंदर बनाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल आते रहते हैं तो ये उन समस्या को भी दूर करेगा, क्योंकि आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपके शरीर में जितना भी जमा हुआ वसा है, गंदगी है, उसको निकालता है, जिससे कि आपका आज तक का जमा हुआ जितनी भी चर्बी थी, फैट था, वो बहुत अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।